गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अजय कुमार तिवारी, आज क्लास 12th को फिजिक्स में दूसरा लेसन जो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसको पहले मैंने आपको संधारित्र के बारे में बताया क्या था कि संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिससे किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। अब यहाँ पे समांतर प्लेट मतलब दो प्लेट होंगे जो एक दूसरे के सामने होंगे, तो देखते हैं इसमें धातु की दो मुख्यतः प्लेट होती हैं जो एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसा इसमें है, ये धातु की दो प्लेट है एक्स वाई, एक दूसरे के समांतर है। इनमें का प्रत्येक का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर और इनके बीच की दूरी, इन प्लेटों के बीच की दूरी डी है। इसमें जब हम एक प्लेट को किसी वैद्युत स्रोत से आवेश देते हैं, जैसे एक्स प्लेट को हमने प्लस क्यू आवेश दिया, तो प्रेरण द्वारा सामने वाले प्लेट के सामने सिरे पर विपरीत आवेश हो जाता है, जैसे ये माइनस है और इस वाले सिरे पर प्लस आवेश प्रेरण द्वारा। लेकिन ये प्लस चार्ज जो इस प्लेट के दूसरे सतह पर है, ये पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से निरावेशित हो जाता है, अतः इसके तरफ ये क्या पड़ता है, माइनस चार्ज। तो अब देखते हैं, माना कि प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जैसे इस प्लेट को हम किसी स्रोत से प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो सामने वाले प्लेट पर क्या हो जाता है, विपरीत आवेश प्रेरण द्वारा होता है। माना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जहां सिग्मा इक्वल्स टू हम लिखते हैं क्यू बाई ए, जहां क्यू प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। दो समतल समांतर चादरों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके पहले मैंने आपको बताया था गॉस के नियम पे प्रयोग में कि अगर दो समांतर चादर होंगे उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू पी ए सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, जहां ध्यान देने वाले के क्या है, के माध्यम का परावैद्युतांक है। जैसा माध्यम होगा के का मान उसके लिए अलग अलग होगा, निर्वात या वायु के लिए के बराबर होता है 1। पृष्ठ घनत्व यहां पर देखिए E इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा है आवेश का पृष्ठ घनत्व, सिग्मा पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। तो सिग्मा का मान यहाँ रखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर मिला क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन जीरो। अब हम लोग देखेंगे कि यदि प्लेटों के बीच विभवांतर वी हो और इनके बीच की दूरी डी हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब हम लोग देखते हैं यदि प्लेटों के बीच विभवांतर वी वोल्ट मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी वोल्ट तथा इनके बीच की दूरी डी मीटर है, तो अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमको मिलेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के संबंध से इक्वल टू वी बाई डी। तो हम यहाँ से वी इक्वल टू लिख सकते हैं ई डी। समीकरण एक से ई का मान रखने पर इसमें रखेंगे वी में, इस वाले समीकरण में समीकरण एक से ई का मान रखेंगे तो हमको मिलेगा v इक्वल टू क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन जीरो, क्योंकि e बराबर हमको मिला था, e बराबर क्या मिला था समीकरण एक में, q अपॉन के एप्सिलॉन जीरो a। तो हम इसका e का मान इधर रखेंगे तो मिलेगा v बराबर क्यू डी अपॉन के एप्सिलॉन जीरो a। अब धारिता c बराबर होता है q बाई v, तो v का मान रखें यहां से तो q अपॉन क्यू डी के एप्सिलॉन जीरो a, तो q से q कट गया तो मिला c इक्वल टू के एप्सिलॉन जीरो a बाई डी, जहाँ की माध्यम का परावैद्युतांक है। निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर होता है 1, तो हमें क्या मिलेगा सी जीरो इक्वल टू, ये कब धारिता है जब निर्वात या वायु है, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी। अब हम लोग समीकरण दो को समीकरण तीन से भाग देंगे। अब समीकरण दो को समीकरण तीन से भाग दे रहे हैं हम, तो क्या मैं समीकरण दो को समीकरण तीन से भाग देने पर तो सी अपॉन सी जीरो के एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी है, एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी तो ये कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं सी इक्वल टू के सी जीरो, जहाँ सी जीरो जब निर्वात है वायु है उस समय धारिता है, और सी जब कोई इसके बीच माध्यम है तब तो उसकी धारिता है। इससे स्पष्ट होता है कि जब हम प्लेटों के बीच कोई माध्यम रख देते हैं तो उसकी धारिता निर्वात की धारिता के गुना बढ़ जाती है। ये रहा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। आइए देखते हैं अब अपने अगले टॉपिक में जो है संधारित्रों का संयोजन या कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, मतलब अगर आपके पास कई सारे कैपेसिटर रहे तो आप उनका संयोजन कैसे करेंगे। तो हम संधारित्रों को जोड़ने की दो प्रमुख रीतियां या दो प्रमुख विधियां, एक है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर या पार्श्वक्रम,
जिसमें सबसे पहले हम चलेंगे श्रेणी क्रम, इन श्री। क्या है श्रेणी क्रम, इसको देखते हैं। यदि आपके पास कई सारे संधारित्र हैं, जैसा आप देख रहे हैं आपके पास तीन संधारित्र, संधारित्र मतलब दो समांतर प्लेटें। यदि आपके पास, तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम, कैसे किसको समझेंगे कि श्रेणी क्रम में ये संधारित्र जुड़ा है। यदि आपके पास कई सारे संधारित्र हों और उनको इस प्रकार जोड़े कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट किसी वैल्यू फोर से तथा पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से। देखिए ये पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है और ये दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट, ये दोनों एक साथ, फिर दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र से जुड़ा हुआ और अंत वाले संधारित्र का अंतिम प्लेट पृथ्वी से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। जब संधारित्र की पहली प्लेट को किसी विद्युत स्रोत से प्लस क्यू या किसी से प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है तो उसके सामने वाले सतह पर दूसरी प्लेट पर माइनस क्यू प्रेरण द्वारा विपरीत आवेश माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है और ये प्लस क्यू दूसरे प्लेट के पहले सिरे पर चला जाता है और उसका दूसरा सिरा पुनः माइनस हो जाता है। तो इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र की पहला प्लेट धनावेशित तथा दूसरा प्लेट ऋणावेशित हो जाती है। संधारित्र क्रम संयोजन की आवश्यक शर्त है कि इसमें आवेश के मान में कोई, संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की शर्त है कि इसमें आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए माना कि संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है, जैसा इनके प्लेटों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 है, तो V1 बराबर हम लिख सकते हैं Q अपॉन C1, ये धारिता से हम लोग वहां से लिख सकते हैं क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिखते हैं। जैसे जैसे आवेश देंगे विभव का मान बढ़ेगा, तो V1 बराबर Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2, इसके लिए V3 बराबर Q अपॉन C3। यदि बिंदु A B के बीच में कुल विभवांतर V, ये यहां से यहां तक के बीच में कुल विभवांतर V हो तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V1 V2 V3 का मान हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, V Q अपॉन C1 Q अपॉन C2 Q अपॉन C3 और V बराबर क्या होगा, हम कहां से निकाल सकते हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो Q बराबर CV, तो V बराबर लिख सकते हैं Q बाई सी। तो हम यहां से लिख लिया V बराबर Q बाई सी, यहां पे भी सब में Q है तो Q कॉमन हो गया, तो हमें और पास क्या बचा, 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, जहां C1 C2 C3 अलग अलग संधारित्रों की धारिता है और C तुल्य धारिता है। इस संयोजन से हमें इस बात का पता चला कि यदि तीन संधारित्रों को जिनकी धारिताएं अलग अलग हो और उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़े तो उत्पन्न तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम अलग अलग संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। आइए अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन मतलब पैरेलल या पार्श्व क्रम संयोजन किसको कहेंगे और कैसे हम समझेंगे कि कोई संधारित्र पार्श्व क्रम संयोजन में जुड़ा है। यदि आपके पास कई सारे संधारित्र हैं, जैसे यहाँ पर तीन संधारित्र हैं और उनको हम इस प्रकार जोड़े कि सभी संधारित्र की पहली प्लेट एक जगह से, जहां से आप ये तीनों संधारित्र की पहली प्लेट बिंदु ए से जुड़ी हुई और दूसरी प्लेट एक जगह से जुड़ी हुई हो और उसमें जो पहली प्लेट जिस बिंदु से जुड़ी हुई उसको किसी स्रोत से और दूसरी प्लेट जिससे जुड़ी हुई उसको पृथ्वी से कनेक्ट कर दे तो अर्थ से जोड़ देते, इस प्रकार के संयोजन को हम मतलब समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब भी हम इसको किसी बाह्य स्रोत से प्लस क्यू और चार्ज देते हैं तो ये आवेश जो यहाँ पर प्लस क्यू है ये अलग अलग संधारित्रों में उसकी धारिताओं के अनुसार बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर इसकी धारिता है C1 तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश हो गया, इसकी C2 तो ये प्लस Q2 और इसकी C3 है तो प्लस Q3 और इसके सामने वाले प्लेट पर प्रेरण द्वारा माइनस उतना ही विपरीत आवेश हो जाता है, जैसे ये प्लस Q1 है तो माइनस Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3, इसमें इसके विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यदि संधारित्रों पर आवेश Q1 और Q2 Q3 है, जैसे Q1 Q2 Q3 है, तब Q1 बराबर हम लिख सकते हैं C1 भी क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताते हैं तो Q बराबर C V, जहां C धारिता है तो हम Q1 बराबर लिखते हैं C1 भी, Q2 बराबर लिखते हैं C2 भी और Q3 बराबर C3 भी। अब देखते हैं कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q1 Q2 Q3 का मान हम यहां पर रखें तो मिलेगा C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी और Q बराबर क्या लिखते हैं CV,
सब में वी है कट जाएगा, तो सी बराबर सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ये रहा हमारा समांतर या पार्श्व संयोजन का समीकरण। इससे पता चलता है कि यदि हम संधारित्रों को समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़े तो तुल्य धारिता अलग अलग संधारित्र की धारिता के योग के बराबर होता है। आइए अब देखते हैं अपने अगले टॉपिक पर, वो है वान डे ग्राफ जनित्र, कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले बात करें इसके बारे में, तो वान डे ग्राफ ने सन 1931 में एक ऐसा स्थिर विद्युत विभव की रचना की जिसकी सहायता से अति उच्च विभव, वान डे ग्राफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1931 में एक ऐसे स्थिर विद्युत विभव की रचना की जिसकी सहायता से अति उच्च विभव 10^6 वोल्ट की कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। और जब इतना ज्यादा विभव का उत्पन्न करेंगे तो इसकी सहायता से हम आवेशित कणों को त्वरित कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, तो आप जानते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, जैसे आवेश दोगे वैसे विभव का मान बढ़ेगा, यदि हम क्यू के मान को बढ़ाएंगे तो विभव का मान भी उसी तरह बढ़ेगा। तो अगर हम जो भी संरचना कर रहे हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा आवेश को ग्रहण करेंगे तो उसके विभव के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे 10^6 कोटि का विभव उस पर उत्पन्न किया जा सकता है। और इसकी सहायता से हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को त्वरित कर सकते हैं, बहुत ज्यादा उसको ऊर्जा दे सकते हैं। अब सिद्धांत की बात करते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इस मशीन का कार्य करने का सिद्धांत निम्नलिखित है, दो बिंदुओं स्थिर बिंदु घटनाओं पर आधारित है। निम्नलिखित दो घटना इसमें आधारित है। इसमें पहला, किसी आवेशित चालक से वायु में वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है, मतलब आवेशित चालक से वैद्युत विसर्जन उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से होता है, ये इसकी पहली घटना है। दूसरी बात करें, खोखले चालक का आवेश उसकी बाहरी सतह पर विद्यमान होता है। जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं, तो इसके पहले के चैप्टर में मैंने बताया था आपको, जिसको आवेशों का वितरण भी कहते हैं, कि जब भी किसी चालक को आवेश देंगे तो उसके पूरे सतह पर वितरित हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसकी रचना के बारे में कि इसकी रचना कैसे होती है और इसकी कार्यविधि। तो अब अगर हम देखते हैं इसकी रचना के बारे में, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें धातु का एक गोलाकार खोखला गोला ऐसा है, जैसे देखते हैं अभी इसकी रचना के बारे में कि इसकी रचना क्या है। आइए देखते हैं हम इसकी रचना के बारे में कि क्या इसका कंस्ट्रक्शन, इसका रचना क्या है। तो सबसे पहले बात करें, इसमें धातु का एक बड़ा गोला एस, जैसा ये देख रहे हैं आप, ये एक बड़ा गोला एस है। तो दो अचालक स्तंभ ए और बी पर सदा होता है, ये स्तंभ ए और बी ये दोनों अचालक है, ठीक है। तो इसमें धातु का एक बड़ा गोला एस दो अचालक स्तंभ और ए और बी पर सदा होता है, तथा इसमें एक रबर सिल्क की सिरेहीन बेल्ट होती है, जैसा ये देखिए, ये बेल्ट रबर सिल्क की सिरेहीन बेल्ट है, ये बेल्ट ये लगा हुआ है, जो दो घिरनियों P1 P2 द्वारा एक वैद्युत मोटर की सहायता से चलाई जा सकती है। दो घिरनी है, एक ये घिरनी P1 है आपका और ये P2, और ये किसे जुड़ा हुआ है, बेल्ट से, जो किसी वैद्युत मोटर द्वारा क्या हो सकता है, चलाई जा सकती है, इसको रोटेट कर सकते हैं। निचला कंघा C1 अति उच्च विभव पर, ये C1 किसी स्रोत बाह्य स्रोत से अति उच्च विभव पर रखते हैं, तथा उच्च विभव के धन पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़े हैं, और तथा ऊपरी कंघा ये C2 गोले के आंतरिक पृष्ठ से जुड़ा होता है, ये C2 इसका गोले के आंतरिक पृष्ठ से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये रहा इसकी रचना के बारे में। अब हम लोग देखेंगे इसकी कार्यविधि की क्या ऐसा इसका वर्किंग फंक्शन है। आइए अब देखते हैं इसकी कार्यविधि की कैसा इसका वर्किंग फंक्शन है, वान डे ग्राफ जनित्र कैसा वर्क करता है। सबसे पहले देखते हैं, जब कंघे C1 को अति उच्च विभव दिया जाता है, ये जो C1 है इसको हम किसी बाह्य स्रोत से अति उच्च विभव दिए और ये ऑलरेडी इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो तीक्ष्ण बिंदुओं की क्रिया के फलस्वरूप यह इसके स्थान में आयनों को उत्पन्न करता है, ये इसके स्थान में आयनों को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। धन आयनों और कंघे C1 के बीच प्रतिकर्षण के कारण, क्योंकि यह ऑलरेडी पॉजिटिव धन टर्मिनल से जुड़ा और यहाँ धन आयन उत्पन्न हुआ, तो धन आयन और इसके बिंदुओं के बीच तीक्ष्ण प्रतिकर्षण के कारण ये धन आयन बेल्ट पर चले जाते हैं, ये इस पर आ गया बेल्ट पर, इस बेल्ट पर आ गया है, और ये अति उच्च विभव पर है,
तो ये जो धन है ये बेल्ट से ऊपर की ओर विस्थापित होते जाते हैं। गतिमान बेल्ट द्वारा ये आयन ऊपर की ओर जाते हैं क्योंकि ये बेल्ट किसी मोटर से जुड़ा हुआ है और मोटर लगातार इस बेल्ट को गति करा रहा है इन घूर्णी P1 और P2 की तरफ। तो जो धन आयन इस बेल्ट पर उत्पन्न हुआ, ये बेल्ट गति कर रहा है तो ये धन आयन धीरे धीरे ऊपर की ओर जाने लगा, चले जाते हैं। इस प्रकार कंधा C2 के बेल्ट धन आयन को एकत्रित करते हैं। तो ये जो बेल्ट है C2 कंधा 2, ये धन आयन जो यहाँ उत्पन्न हो रहा है ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये C2 क्या कर रहा है, जितना भी धन आयन उत्पन्न हो रहा है इसको एकत्रित कर रहा है। और जब इस कंधे पर धन आयन एकत्रित होगा तो ये किसके से जुड़ा हुआ है, इस गोले के आंतरिक पृष्ठ S से। तो ये जो आवेश यहाँ पर धन आवेश एकत्रित हो रहा है ये सब कहाँ चले जाएंगे, इस गोले के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएंगे। इस प्रकार कंधा C2 बेल्ट के धन आयन को एकत्रित करता रहता है, या धन आवेश शीघ्र गोले के बाहरी पृष्ठ पर स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी धन आने उत्पन्न होता है, ये बेल्ट चूंकि बाय मोटर से गति कर रही है तो ये ऊपर की ओर जाते रहते हैं और ये C2 इनको लगातार एकत्रित करता रहता है। और जो भी यहाँ पर आवेश एकत्रित होता है वो सब इस गोले के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, क्योंकि ये आवेशों के वितरण का रूल है। जब भी किसी गोले को हम आवेश देते हो तो उसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब ये क्रिया लगातार चलती रहती है, ये लगातार आयन उत्पन्न कर रहा है और ये लगातार आयन ऊपर धनावेश ऊपर की ओर जा रहा है और ये एकत्रित कर रहा है और ये आवेश इस तरफ जाता रहा है। ये क्रिया लगातार चलती जाती है, इसका मतलब इसके सतह पर आवेश के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि ये क्रिया लगातार चल रही है और लगातार आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो जब आवेश का, और हम जानते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू जैसे जैसे Q का मान बढ़ेगा विभव का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यही तो मैंने बताया था कि इसके कार्य करने का सिद्धांत भी यही है, क्योंकि ये अति उच्च विभव तक इसको क्या कर सकते हैं, त्वरित कर सकते हैं। तो ये लगातार उत्पन्न हो रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है और इस पर आवेश के मान में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार गोले S का बाहरी पृष्ठ निरंतर धन आवेश प्राप्त करता है क्योंकि ये क्रिया लगातार चल रही है, और इसका विभव भी क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है, क्योंकि जितना आवेश का मान को हम बढ़ाएंगे विभव का मान भी उसी के अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है। ये रहा वान डेर ग्राफ जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत या उसके कार्य विधि।